नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज़। आज वडोदरा शहर में माहेश्वरी समाज संगठन और लायंस क्लब की ओर से सेफ्टी गार्ड का वितरण किया गया। दरअसल उत्तरायण का पर्व नजदीक है और अब तक प्रतिबंधित चाइनीज मांजे के इस्तेमाल से वडोदरा शहर में दो लोगों की जान जा चुकी है। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। ऐसे में माहेश्वरी समाज संगठन और साथ ही लायंस क्लब की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों में सेफ्टी गार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि किसी को भी उत्तरायण पर्व के चलते कोई नुकसान न हो। समाज संगठन की तरफ से हम लोग यहां पर एक बिना शुल्क के लोगों की रक्षा के लिए, पतंग के कारण किसी का गला न कट जाए, माथे पे चोट न लग जाए, इसलिए हम लोगों ने वायर देने का एक प्रावधान रखा है। यहाँ सबको मुफ्त में हम लोग लगा रहे हैं। हमारे साथ लॉयंस क्लब ऑफ सेंग्रीला भी सम्मिलित है और इस कार्य से हम सोचते हैं अगर किसी एक की भी जान बच जाए तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। चार दिन पहले ही न्यूज में देखा कि एक बच्चे की गला कट गया और उसकी मौत हो गई। उसी दिन हम लोगों के दिमाग में हमारे प्रेसिडेंट ने सुझाव को रखा और हम लोगों ने हमारी समिति में इसको पास किया और सोचा कि ये किया जाए और ये बहुत नेक काम होगा लोगों के लिए, जो लोग नहीं लगा पाते हैं। और लगा पाने की स्थिति में होने के बाद भी कहाँ लगाना है ये समझ में नहीं आता है सबको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रावधान रखा है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।